क्या करें, फुर्सत नहीं मिलती। एक लाला जी के यहाँ एक महात्मा जी कभी कभी आया करते थे। लाला जी दिन रात धन इकट्ठा करने की धुन में रहते, कभी ईश्वर का नाम तक न लेते। महात्मा जी उनसे कहा करते थे कि कभी कभी पूजा पाठ भगवत भजन भी क्या करो, परंतु लाला जी झट उत्तर देते, क्या करें महाराज, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। एक दिन जब लाला जी जंगल की ओर सोच करने गए तो महात्मा जी ने गांव में सबसे कह दिया कि इस जंगल में एक राक्षस रहता है जो कभी कभी गांव में आकर मनुष्यों को खाया करता है, और विशेषता यह है कि वह किसी गांव वाले मनुष्य का भेष बनाकर आता है जिससे उसे कोई पहचान न सके। वह देखो आज लाला जी का भेष बनाकर आ रहा है, सब कोई सावधान हो जाओ। जंगल से लाला जी सोच क्रिया से निवृत्त होकर आ रहे थे। लोगों ने समझा कि वही राक्षस से भेष बदले हुए है। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले, किसी ने लाठी लिया, किसी ने डंडा, किसी ने कंकड़, किसी ने पत्थर। जब लाला जी कुछ निकट आ गए तो कंकड़ और पत्थर से उनका स्वागत होने लगा। लाला जी चिल्लाते थे, अरे भाई मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, कोई पराया नहीं हूं, परंतु कौन सुनता है। यहां तक कि लाला जी के लड़के ने भी समझा कि निसंदेह यह वही राक्षस भेष बनाए हुए हम सभी को खाने आया है। लाला जी खूब पीटे, किसी प्रकार भागकर जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। महात्मा जी ने सोचा कि अब चलकर देखें लाला जी को फुर्सत है या नहीं। जब महात्मा जी जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि लाला जी एक पेड़ के नीचे बैठे हाय राम कर रहे हैं। महात्मा जी ने पूछा, क्यों लाला जी, आज राम राम करने की फुर्सत कैसे मिली। लाला जी ने सब वृतांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज यदि अब किसी प्रकार फिर घर जाने पाऊं तो नित्य ही पूजा पाठ और भगवत भजन करूं, क्योंकि जिनके लिए कमाते कमाते मुझे फुर्सत न मिलती थी उन्हीं पुत्रों ने आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। महात्मा जी समझ गए कि अब लाला जी की बुद्धि ठिकाने आ गई। अतएव गांव में कह दिया कि वो राक्षस लाला जी को भी जंगल में उठा ले गया था, बड़ी उपाय से मैंने उनके प्राण बचाए। ऐसा कहकर लाला जी को अपने साथ घर पहुंचा दिया। इसका दृष्टांत यह है कि ईश्वर ने जीव को धर्म कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर देकर संसार में भेजा था, परंतु यह जीव माया में ऐसा लिप्त हुआ है कि धर्म करने को इसे समय ही नहीं मिला। तब अनेक प्रकार के कष्ट, बीमारी, वृष्टि, अनावृष्टि से उसे डराया। तब कहीं रोग आकर एकाध बार राम राम मुंह से निकला। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए।